पश्चिम बंगाल के बाद मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दमोह उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी हार का मुंह देखना पड़ा है। कांग्रेस उम्मीदवार अजय टंडन ने बीजेपी उम्मीदवार राहुल सिंह लोधी को 17,000 से ज्यादा मतों से हरा दिया है। हार के बाद बीजेपी उम्मीदवार ने बीजेपी नेताओं के द्वारा भीतरघात को इसकी मुख्य वजह बताया है। राहुल लोधी 7 महीने पहले ही कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए थे और अब कांग्रेस के ही उम्मीदवार से चुनाव हार गए हैं। राहुल सिंह लोधी पहली बार ही विधायक बने थे और 15 महीने बाद ही इस्तीफा दे दिया था। हारने के बाद राहुल सिंह लोधी ने बीजेपी नेताओं पर ठीकरा फोड़ा और उनके द्वारा किए गए भीतरघात को अपनी हार की वजह बताया। उन्होंने कहा कि जिन नेताओं को शहर की जिम्मेदारी दी गई थी वो अपना वार्ड ही नहीं जितवा पाए और पूरे शहर के सभी वार्ड हार गए। ये पूरी तरह से भीतरघात की वजह से हार हुई है। जो लोग कहते थे कि पार्टी हमारी माँ है और माँ से गद्दारी नहीं कर सकते, उन्होंने पूरी ताकत से बेईमानी की है और जबरदस्त भीतरघात किया है। दमोह में करारी हार के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि पार्टी इस हार की समीक्षा करेगी। उन्होंने कहा कि दमोह विधानसभा उपचुनाव में जनता का जनादेश शिरोधार्य है। हम कांग्रेस उम्मीदवार को उनकी जीत के लिए बधाई देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व दमोह के स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर गहराई से असफलता के कारणों की समीक्षा करेगा। दमोह उपचुनाव को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए मैं, दमोह की जनता, चुनाव कार्य में लगे अधिकारी, कर्मचारी और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के परीक्षण के लिए उनका आभार व्यक्त करता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, SPN9 न्यूज़।